नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूं महाराणा प्रताप सर्किल जिला परिषद के पास। इस चौराहे पर दो दिन पहले ही मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारियों व शहरवासियों ने यहां पर महाराणा प्रताप की जयंती पर एक सांकेतिक प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगाई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसके एक दिन बाद ही रात को यहाँ से प्रतिमा हटा दी गई। यह प्रतिमा किसने हटाई है इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, मगर ये जो प्रतिमा है अभी फिलहाल नगर परिषद कार्यालय में रखी हुई है, जहाँ पर माल्यार्पण भी किया हुआ है, पुष्पांजलि भी की हुई है और विधिवत सम्मान महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पूरा स्टैच्यू नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार के अंदर रखा हुआ है। ये महाराणा प्रताप सर्किल की घोषणा और महाराणा प्रताप सर्किल बनाने के लिए तत्कालीन तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी द्वारा यहाँ पर 4 अक्टूबर 2018 को शिलान्यास किया था। यहाँ पर एक भव्य सर्किल विकसित करने के लिए यहाँ पर शिलान्यास भी किया और शिलान्यास के बाद यहाँ भव्य महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन उसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुई और प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार बन गई। उसके बाद नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड बन गया और उसके बाद इस सर्किल निर्माण का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और उसके बाद हालांकि मौजूदा नगर परिषद प्रशासन द्वारा भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए यहाँ प्रयास हुए। यहाँ जेके गार्डन में महाराणा प्रताप का स्टैचू लगाने के लिए नींव का मुहूर्त भी किया गया, लेकिन वो प्रतिमा नहीं लगी थी और जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा न होने के कारण ही शहरवासी व मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारी आक्रोशित थे और इसीलिए उन्होंने सांकेतिक तौर पर इस चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की और माल्यार्पण किया और यही संदेश दिया कि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सबको बार बार ज्ञापन देने के बावजूद न तो यहाँ सर्कल बना और न ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो पाई थी, इसलिए उन्होंने ये सांकेतिक प्रतिमा लगाई है और प्रशासन अब इन्हें अनुमति दे। अगर प्रशासन के पास बजट नहीं है तो वे भामाशाहों की मदद से यहाँ भव्य प्रतिमा लगाएंगे। हालांकि इस प्रतिमा स्थापना के तीसरे दिन ही यह प्रतिमा रात में हटा दी गई। फिलहाल यह प्रतिमा नगर परिषद कार्यालय के अंदर रखी हुई है, जहां पर ससम्मान उनके पूरा स्टैचू वहाँ रखा हुआ है और उनका माल्यार्पण भी कर रखा है। आप जुड़ी हुई जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।